ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका और जापान एक दूसरे के एनिमीज हुआ करते थे। उस समय एक जापानीज डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर सदाओ होकी। वो एक सर्जन और साइंटिस्ट थे। वैसे तो डॉक्टर सदाओ एक जापानीज थे पर उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका जाकर पूरी की थी। डॉक्टर सदाओ ने अपनी पढ़ाई अमेरिका से पूरी करी थी और उनकी और हाना की पहली मुलाकात भी अमेरिका में ही हुई थी। जब डॉक्टर सदाओ अपने प्रोफेसर हार्ली के घर गए थे तब उनकी मुलाकात हाना से हुई थी। डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि उनकी और हाना की मुलाकात एक्सीडेंटली हुई थी क्योंकि वो उस दिन अपने प्रोफेसर के घर ऑलमोस्ट नहीं ही जाने वाले थे। फिर डॉक्टर सदाओ और हाना अपनी पढ़ाई पूरी करके जापान वापस आ गए। डॉक्टर सदाओ और हाना की मैरिज ट्रेडिशनल जापानीज वे में हुई थी जो कि डॉक्टर सदाओ के फादर की विश थी। डॉक्टर सदाओ का घर जापान में समुंदर के किनारे ही पर था। वो वहाँ अपनी वाइफ हाना, अपने बच्चे और अपने कुछ नौकरों के साथ रहते थे। एक बार जब डॉक्टर सदाओ हाना के साथ समुंदर की तरफ देख रहे थे तभी उन्होंने नोटिस किया कि फॉगी ओशियन से जमीन की तरफ कुछ निकल के आ रहा था और फिर वो वहीं सैंड पर गिर गया। जब डॉक्टर सदाओ और हाना वहाँ जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है यानी कि जापान का एनिमी। उसे देखने के बाद डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा घायल लग रहा है, अगर इसका फौरन इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ एक डिलेमा में पड़ जाते हैं कि वो इस अमेरिकन प्रिजनर की मदद करे या फिर इसे पुलिस को हैंड ओवर कर दे। एक तरफ उनकी मोरल ड्यूटी एज अ डॉक्टर थी जो कह रही थी कि वो उस अमेरिकन की लाइफ सेव कर ले और दूसरी तरफ उनकी नेशनल ड्यूटी एज अ जापानीज सिटीजन जो उन्हें कह रही थी कि वो उस अमेरिकन को पुलिस को हैंड ओवर कर दे। तब डॉक्टर सदाओ ये डिसाइड करते हैं कि वो पहले उस अमेरिकन की लाइफ सेव करेंगे, उसके बाद वो उसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। और फिर वो दोनों उस घायल आदमी को लेकर अपने घर में जाते हैं और डॉक्टर सदाओ उसे अपने फादर के रूम में रखते हैं। फिर हाना अपनी सर्वेंट यूमी से उस अमेरिकन को क्लीन करने के लिए बोलती है पर यूमी ऐसा करने से मना कर देती है और हाना भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती है क्योंकि हाना को डर था कि उनके नौकर कहीं पुलिस को इस वाइट मैन के बारे में ना बता दे और अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर सदाओ और हाना वो दोनों भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर हाना खुद से ही उस वाइट मैन को हॉट वाटर और एक कपड़े की मदद से साफ करती है और तभी डॉक्टर सदाओ उस रूम में एंटर करते हैं। उन्होंने अपना सर्जन्स कोट पहन रखा था और उनके पास उनका सर्जन्स इमरजेंसी बैग भी था। हाना ये देखकर समझ जाती है कि डॉक्टर सदाओ उस वाइट मैन को ट्रीट करने वाले हैं और फिर डॉक्टर सदाओ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक साफ कपड़े पर रखते हैं और हाना को कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम इसे एनेस्थीसिया दे देना। पर हाना काफ़ी नर्वस थी क्योंकि उसने पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। और फिर डॉक्टर सदाओ उस वाइट मैन का ऑपरेशन करने लगते हैं। ये सब देखकर हाना चोक करने लगती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने बरामदा में जाकर वोमिटिंग करने लगती है। ये सब देखकर डॉक्टर सदाओ को उस वाइट मैन पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो जानते थे कि अगर हाना का स्टमक एम्प्टी रहेगा तो वो नर्वस नहीं होगी। और फिर हाना रूम में एंटर करती है और फिर वो दोनों मिलकर सक्सेसफुली उस वाइट मैन को ट्रीट कर देते हैं। और फिर डॉक्टर सदाओ हाना से कहते हैं कि अब इस वाइट मैन की लाइफ सेफ है। दो दिन बाद जब उस अमेरिकन को होश आता है तब हाना खुद उसे खाना देने जाती है। वो अमेरिकन हाना को इंग्लिश बोलते हुए देखकर सरप्राइज्ड था तो हाना उसे बताती है कि वो कई साल अमेरिका में रही है। फिर वो अमेरिकन हाना को अपना नाम बताता है कि उसका नाम टॉम है। और उसके बाद डॉक्टर सदाओ उसे हर दिन एग्जामिन भी करते हैं। एक दिन वो अमेरिकन डॉक्टर सदाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे पुलिस को दे दोगे तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि ये तो मैं भी नहीं जानता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और फिर डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि हाँ शायद मुझे तुमको पुलिस को ही दे देना चाहिए क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। और फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। जब डॉक्टर सदाओ उस रूम से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि हाना काफ़ी टेंस दिख रही है। हाना डॉक्टर सदाओ से कहती है कि उनके नौकरों को लगता है कि डॉक्टर सदाओ और हाना ने इतने साल अमेरिका में रहकर पढ़ाई की है इसीलिए वो दोनों भी अमेरिकन जैसे हो गए हैं। इस पर डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, भले ही हम कुछ समय अमेरिका में रहे हैं पर अमेरिकन्स अब भी हमारे लिए दुश्मन ही है। और रही बात उस घायल सोल्जर की तो मैं एक सर्जन हूँ और मैं किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। तब हाना कहती है
हाँ, पर हमारे नौकर ये सब नहीं समझेंगे और फिर वो दोनों अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और एक दिन जब डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन की आखिरी स्टिचेस कट कर रहे होते हैं, तब वो कहते हैं कि अब 14 दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर डॉक्टर सदाओ अपने ऑफिस में जाते हैं और वो एक लेटर टाइप करते हैं चीफ ऑफ पुलिस को। उस लेटर में वो सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो प्रिजनर उनके घर तक आया, पर वो उस लेटर को इनकम्प्लीट छोड़कर कहीं चले जाते हैं। 7 दिन बाद जब हाना सो कर उठती है, तब वो देखती है कि घर का कोई भी काम नहीं किया गया है। वो देखती है कि उनके नौकर घर छोड़कर जा रहे थे और हाना भी किसी को फोर्स नहीं करती है। वो उनका पेमेंट देकर उन्हें भेज देती है। और अब डॉक्टर सदाओ और हाना उस प्रिजनर के साथ अकेले घर पर रह जाते हैं। तभी हाना डॉक्टर सदाओ से कहती है कि हम लोग क्लियर क्यों नहीं हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि हमारे नौकर बिल्कुल क्लियर थे इस बात पर। डॉक्टर सदाओ इस पर कुछ भी आंसर नहीं करते हैं। और कुछ देर बाद डॉक्टर सदाओ प्रिजनर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपना स्ट्रेंथ गेन कर लो। डॉक्टर सदाओ के इस बात पर प्रिजनर थोड़ा सा डर जाता है। फिर डॉक्टर सदाओ वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टरनून में एक मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के घर आता है। उसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। वो डॉक्टर सदाओ के घर आता है और डॉक्टर सदाओ से कहता है कि जनरल की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। और जाते समय जब डॉक्टर सदाओ हाना को गुड बाय कहते हैं, तब हाना बताती है कि वो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आया है। डॉक्टर सदाओ हाना को देखते हैं, वो काफ़ी डरी हुई थी। तब डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं जल्द ही इस आदमी से पीछा छुड़ाऊंगा। और ऐसा कहकर वो उस ऑफिसर के साथ चले जाते हैं। सदाओ जनरल के पास पहुँच कर उन्हें उस अमेरिकन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तब जनरल सोचते हैं कि डॉक्टर सदाओ ने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की है, इसीलिए उन्हें अमेरिकन के लिए सिंपैथी है। और फिर जनरल कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी प्रिंसटन की डिग्री अमेरिका से ही ली है। इस बात पर डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि उन्हें उस अमेरिकन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, पर क्योंकि वो एक सर्जन है, इसीलिए वो अपने सामने किसी को भी मरने नहीं दे सकते। डॉक्टर सदाओ जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और जनरल को डॉक्टर सदाओ के अलावा और किसी भी जापानी सर्जन पर ट्रस्ट नहीं था। जनरल डॉक्टर सदाओ से कहते हैं कि डॉक्टर सदाओ ने कहा था कि वो इस तरह का एक और अटैक सह सकते हैं। तब डॉक्टर सदाओ कहते हैं, हाँ सिर्फ एक, एक से ज़्यादा नहीं। तब जनरल डॉक्टर सदाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर जनरल एक चिड़चिड़े टोन में कहते हैं, ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो प्रिजनर सी से बहा और तुम्हारे ही घर पर आ गया। डॉक्टर सदाओ कहते हैं, हाँ आपने सही कहा। फिर जनरल कहते हैं कि अच्छा तो यही होगा कि हम चुपचाप उस अमेरिकन को मरवा दें। फिर जनरल कहते हैं कि वो अपने 2 SSCs को आज रात या किसी ऐसे रात जिसके बारे में डॉक्टर सदाओ को भी ना पता हो, भेज कर उस अमेरिकन को मरवा देंगे और वो SSCs उस अमेरिकन की बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे। इस पर डॉक्टर सदाओ कहते हैं, यही अच्छा होगा। इस समय डॉक्टर सदाओ सिर्फ हाना के बारे में सोच रहे होते हैं और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि उस अमेरिकन से कैसे पीछा छुड़ाए। ऐसा सोचते सोचते वो अपने घर चले जाते हैं। जब डॉक्टर सदाओ अमेरिकन के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि अमेरिकन अपने बेड से उठा हुआ है। डॉक्टर सदाओ को देखकर अमेरिकन कहता है कि अब उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर वो आगे बोलता है कि अगर सभी जापानीज आपके जैसे हो जाए तो वॉर जैसे सिचुएशंस आएंगे ही नहीं। इस पर डॉक्टर सदाओ कहते हैं, हाँ शायद, और फिर वो उसे गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। उस रात डॉक्टर सदाओ को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उन्हें पेड़ की टहनी टूटने की आवाज़ आएगी या किसी के चलने की या किसी चीज़ को रिमूव करने की। अगले दिन जब डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन के रूम में जाकर देखते हैं तो वो अमेरिकन आराम से सो रहा था। फिर डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि शायद वो SSCs दूसरी रात को आएंगे। दूसरी रात काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी जिसके कारण डॉक्टर सदाओ और हाना उठ जाते हैं। फिर हाना कहती है कि क्या हमें उस अमेरिकन के रूम के डोर को बंद कर देना चाहिए। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अब वो इस काम को खुद से ही कर सकता है। और मॉर्निंग में जब डॉक्टर सदाओ उसके रूम में जाते हैं तो अब भी वो अमेरिकन आराम से सो रहा था। तब डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि शायद तीसरी रात उसकी आखिरी रात होगी।
तीसरी रात हवा तो नहीं चल रही थी, लेकिन तेज बारिश हो रही थी जिसके कारण गार्डन में काफ़ी नॉइज़ हो रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो अमेरिकन काफ़ी चेयरफुल दिख रहा था, और वो डॉक्टर सदाओ से कहता है कि वो अब काफ़ी ठीक हो गया है। फिर डॉक्टर सदाओ कहते हैं, हाँ तुम इतने ठीक हो गए हो कि तुम अब खुद से एक बोट चलाकर नियर आइलैंड्स तक पहुँच सकते हो। डॉक्टर सदाओ उसे बताते हैं कि वो आज रात उसके लिए कोस्ट पर एक बोट छोड़ देंगे और उस अमेरिकन को वो बोट चलाकर पास के छोटे छोटे आइलैंड्स तक पहुंचना है। डॉक्टर सदाओ उसे बताते हैं कि वो काफ़ी स्मॉल आइलैंड्स हैं, इसीलिए वहां पर कोई नहीं रहता है, और कोरियन फिशिंग बोट्स उन आइलैंड्स के पास से अक्सर जाया करते हैं, और वो अमेरिकन उनके बोट में बैठकर वहां से जा सकता है। अमेरिकन डॉक्टर सदाओ की बातों को अच्छे से समझ रहा था, और फिर वो कहता है कि क्या उसे ये सच में करना होगा। तो डॉक्टर सदाओ उसे बताते हैं कि तुम यहाँ पर हो, ये बात अब ज़्यादा लोगों से छिपी हुई नहीं है। डॉक्टर सदाओ की बात सुनकर अमेरिकन ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शाम तक डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन से नहीं मिलते हैं, और शाम को वो एक बोट कोस्ट के पास बांध देते हैं और उसमें कुछ खाना और बॉटल्ड वाटर रख देते हैं, और फिर सदाओ अपने घर आ जाते हैं। वो उस अमेरिकन का एक लास्ट बार चेकअप कर लेते हैं, और फिर डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन को अपना फ्लैशलाइट दे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए और तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट भी ना मिली हो तो तुम इवनिंग के टाइम पे जब सन बिल्कुल होराइजन के पास होता है तब तुम दो बार टॉर्च फ्लैश ऑन ऑफ करना, और अगर तुम ठीक हो तो एक बार फ्लैश ऑन ऑफ करना। तुम्हें वहाँ पर फिशेस भी मिलेंगी, पर तुम्हें उन्हें कच्चा खाना होगा। भूल कर भी वहाँ आग मत लगाना क्योंकि वो कोस्ट से विजिबल होगा। फिर डॉक्टर सदाओ उसे जापानीज क्लोथ्स देते हैं और उसके हेयर्स को ब्लैक क्लोथ से कवर कर देते हैं, और फिर डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अब तुम्हारा जाने का समय हो गया है, और डॉक्टर सदाओ क्वाइटली उस अमेरिकन से हाथ मिलाते हैं, और फिर वो अमेरिकन वहाँ से कोस्ट की तरफ अंधेरे में जाने लगता है, और फिर डॉक्टर सदाओ भी अपने घर की डोर्स को बंद कर लेते हैं, और उस रात डॉक्टर सदाओ काफ़ी आराम से सोते हैं। कुछ दिन बाद जनरल की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर सदाओ को उनका ऑपरेशन करने के लिए बुलाया जाता है, और ऑपरेशन के 1 वीक बाद जब जनरल कुछ ठीक हो जाते हैं तब डॉक्टर सदाओ जनरल को बताते हैं कि वो प्रिजनर उनके घर से भाग गया है। तब जनरल हैरान होकर कहते हैं कि तुम उसी प्रिजनर की बात कर रहे हो ना जिसके बारे में मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे मरवा दूंगा। तब सदाओ कहते हैं, हाँ वही प्रिजनर, असल में जनरल उस प्रिजनर के बारे में भूल गए थे। फिर जनरल डॉक्टर सदाओ से कहते हैं कि तुम तो देख ही रहे हो कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, और इस समय मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कंट्री के लिए लॉयल नहीं हूँ, पर तुम तो समझ ही रहे हो ना मेरी कंडीशन। अगर ये बात बाहर आती है तो तुम मेरी बात समझोगे ना, और तुम लोगों को भी ये बात समझा सकते हो। डॉक्टर सदाओ ये समझ जाते हैं कि जनरल अब उनकी मुट्ठी में है, और अगर ये प्रिजनर वाली बात बाहर आ भी जाती है तो डॉक्टर सदाओ उससे सेफ ही रहेंगे। और फिर डॉक्टर सदाओ जनरल से कहते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पर जनरल कहते हैं कि डॉक्टर सदाओ तुम एक अच्छे आदमी हो और इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। पर डॉक्टर सदाओ को उनका एक्चुअल रिवॉर्ड तब मिला जब उन्हें सनसेट के टाइम पर कोई भी फ्लैशेस देखने को नहीं मिला। इसका मतलब वो अमेरिकन वहां से सेफली कोरियन फिशिंग बोट पर जा चुका है। और उस शाम को डॉक्टर सदाओ अपने बरामदा में खड़े होकर समुद्र की तरफ देख रहे थे, तभी उन्हें अमेरिकन्स के फेस याद आने लगते हैं जब वो अमेरिका में रहते थे, और वो उन दिनों को याद करने लगते हैं जब वो अमेरिका में रहते थे।